हॉस्पिटल में आपका स्वागत है बेबी। हेलो मैम, कैसे रहा हमारा हॉस्पिटल का? आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं तो यहाँ पे कहते होपलेस हो गई थी मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवानी थी, पर जहाँ पर भी गई मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब ने मना कर दिया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पहली बेबी सी सेक्शन से हुई थी, उसको 6 ईयर्स हो गए। बट स्टिल मैम से मिलने के बाद मुझे थोड़ी सी होप मिली कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो मैम ने बोला कि लेट्स सी, मैं एग्जामिन करूँगी, फिर उसके बाद मैं कुछ टेस्ट करूँगी, कुछ देखती हूँ। फिर मैम ने बोला कि हो सकती है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरीज भी होती है। और मैम का नेचर इतना अच्छा था, मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और इवन बर्थ करने के टाइम पर भी मैम ने बहुत सपोर्ट किया। मैम पूरे टाइम मेरे साथ थी, डे नाइट वो टाइम थी, उन्होंने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ किया। कल मैं एडमिट हुई थी, आज मैं डिस्चार्ज होकर घर पे जा रही हूँ। अच्छा, आप हीलिंग टच हॉस्पिटल में कैसे आए, कहीं से पता किया था? मेरे को